हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज की गाड़ी है हमारी हुंडई i20, जिसके इंजन में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, साउंड आ रहा है। तो इसके इंजन में क्या प्रॉब्लम आई है ये हमको देखना है, और इसका इंजन पूरा हम खोलेंगे, रिपेयर करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आई क्यों ये भी हमें सर्च करना है। उसके पहले हम देखते हैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके साउंड इसका। करो स्टार्ट। साउंड बहुत ज़्यादा इसका बिगड़ चुका है, तो साउंड हम पहले इसका साउंड सुनेंगे स्टार्ट करके। करो स्टार्ट। एक्सीलेटर दो, दे एक्सीलेटर। बंद कर दो। तो सुन सकते हैं साउंड स्टार्ट, जब गाड़ी हमने की थी जब बहुत ज़्यादा साउंड था, जब थोड़ा सा इसमें ऑयल चढ़ा तो साउंड इसका थोड़ा कम हुआ, क्योंकि टाइमिंग चेन का भी इशू है इसमें। लेकिन इसमें एक नॉइज़ जो है लगातार आ रही है, जैसे क्रैंक या कनेक्टिंग में पिले आ जाती है, पिस्टन सीज हो जाता है, इस टाइप की एक आवाज़ आ रही है। तो इसका इंजन हमें खोलना पड़ेगा उसके लिए पूरा। तो इंजन खोलते हैं और खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई, कैसे ही है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं, क्या इसका टाइमिंग मेथड है, सब बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं चैम्बर पूरा खुल चुका है हमारा, और चैम्बर में बहुत ज़्यादा एम्बरी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं ये जो ऑयल पंप का स्टैनर है इसमें कितना कचरा फंसा हुआ है। और ये है, ये जो आप देख सकते हैं ये पेस्टिंग है, जो इंजन में हम पेस्टिंग करते हैं ट्यूब होता है, ये अंदर जाके स्टैनर फंसता है। इसलिए हम बार बार बताते हैं आपको कि ओवर पेस्टिंग नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही करें, अननेसेसरी ना करें, वरना ये नुकसान बनता है। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कचरा बन के फंस चुका है स्टैनर में, और इसकी वजह से हमारे कनेक्टर की पीस की जो पिले बढ़ गई है, देख सकते हैं पूरा पीस अंदर घूम गया है क्रैंक में, क्योंकि क्रैंक पकड़ कर चुकी थी हमारी, इस वजह से ये पूरा पीस अंदर घूम चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से इंजन में काम आया है। तो ओवर पेस्टिंग कभी ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पेस्टिंग करें। ठीक है, चलती
दोस्तों हेड भी हमारा खुल चुका है और हम देख रहे हैं यहाँ पर हेड में चार नंबर का जो पिस्टन है वो क्रैंक के पीस कटने से प्ले आने से क्रैंक का जो मार पड़ी तो उसकी वजह से पिस्टन हमारा चार नंबर का हेड में टकराया है। देख सकते हैं यहाँ पर पिस्टन पे भी निशान है हल्के से, तो इसका जो पिस्टन है हेड में टकरा चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर निशान दिख रहा है पिस्टन के ऊपर, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पिस्टन टकरा है यहाँ से। उसका पूरा इंजन खोल के बिखेर के इसको ओवरऑल करेंगे, ठीक है। पिस्टन और ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड चार नंबर का, और आयल ना मिलने की वजह से हमारा पीस जो था क्रैंक में पकड़ कर गया था, ठीक है। और क्रैंक में पकड़ करने से कनेक्टिंग रॉड में घूम गया जिससे हमारा कनेक्टिंग रॉड भी ख़राब हो चुका है, तो हमको इसका कनेक्टिंग रॉड भी चेंज करना होगा। और कनेक्टिंग रॉड के साथ हमें क्रैंक भी चेक कराना होगी, क्योंकि जब कनेक्टिंग रॉड पकड़ करता और घूमता है तो क्रैंक में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्रैंक भी डाउन होगी इसकी, तो हम क्रैंक भी चेक करेंगे क्या साइज़ है इसका, ठीक है। और ये इसके पीस हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि ये पकड़ करके क्रैंक में पकड़ करके कनेक्टर के अंदर घूम चुके हैं। तो दोस्तों i20 का इंजन पूरा कंप्लीट होकर आ गया लेथ मशीन पे से, और इसका हमने जो काम था वो दरअसल हमारी क्रैंक का था। एक कनेक्टिंग रॉड का हमारा पीस पूरा ख़राब हो चुका था, पूरा पिसा गया था, गल गया था इसमें, ठीक है। तो ये रॉड हम चेंज कर रहे हैं। दूसरा, इसके ख़राब होने से जो क्रैंक में प्ले आई थी, वो प्ले आने से जो अंदर मार पड़ी क्रैंक पे, तो उसकी वजह से हमारी क्रैंक की देख सकते हैं चार नंबर की जो खूटी है यहाँ पर, ये देखा, तो ये क्रैंक चेंज की हमने, और क्रैंक चेंज करने का जो कारण है वो देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बारीक सा आपको माइनर बाल दिख रहा होगा क्रैंक में, ठीक है। ये आड़ा बाल है इसमें, यहाँ पर ये सामने दिख रहा है, ये छोटा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बाल है, ठीक है। ये जो बाल है ये क्रैंक पे मार पड़ने से आया है, ठीक। हालांकि ये बाल आड़ा है, चल भी सकता था, लेकिन हम इस क्रैंक का मामला है इसलिए इंजन में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक। इंजन एक बार खुलता है बार बार नहीं खुलता, तो इंजन में आपको जो भी छोटी सी प्रॉब्लम भी दिखे तो उसको फ़ौरन चेंज करें, क्योंकि इंजन एक बार बनने के बाद सालों साल की फुर्सत हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्रैंक में बाल था इसकी वजह से हम पूरी क्रैंक चेंज कर रहे हैं, और क्रैंक जो है ये हमने बदल दी है पूरी, रॉड बदल दिया है, रॉड भी हमने दूसरा मंगाया है नया, ठीक है। और क्रैंक हमने बुलवाई है ये स्टैंडर्ड साइज़ की क्रैंक, हमने डिस्पोजल से अरेंज की है, क्योंकि हमें कस्टमर की फाइनेंशियली कंडीशन को भी देखना था, ठीक। बजट के हिसाब से हमने डिस्पोजल की ओरिजिनल क्रैंक बुलवा ली है, स्टैंडर्ड क्रैंक, ठीक। नई क्रैंक लोकल कंपनी की डालने से अच्छा है आप पुरानी क्रैंक डिस्पोजल की डाल दें, क्योंकि क्रैंक ओरिजिनल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें, ठीक है। तो आप डिस्पोजल की क्रैंक भी डाल सकते हैं पुराने इंजन की खुली हुई, तो पुरानी क्रैंक मंगाई है हमने, स्टैंडर्ड साइज़ की है। अब इसको फिट करते हैं, और फिट करने का जो हमारा सबसे पहला जो कि देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने इसके ऑयल जेट फिटिंग की है, ठीक है। ऑयल जेट फिटिंग होने के बाद हम लगाते हैं मेन के पीस, ये हमारा स्टैंडर्ड के पीस है, और पीस को लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, हमेशा हम बताते हैं, रिपीट करते हैं बार बार एक ही बात को, ये जो होल वाले जो पीस है और लाइन वाले, ये हमेशा ब्लॉक में आएंगे, और फ्लैट वाले प्लेन वो कैप में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्रैंक में जो ऑयल जाता है वो ब्लॉक में से ही होके आता है ऑयल पंप से, ठीक है। अगर हम इसमें फ्लैट वाले यहाँ पर लगा देंगे तो ऑयल का होल बंद हो जाएगा, क्रैंक को ऑयल नहीं मिलेगा, क्रैंक हमारी हो जाएगी जाम, ठीक है। तो फिटिंग करते हैं क्रैंक को।
पहले साफ़ सफाई करेंगे क्रैंक की, उसके बाद लगाएंगे इसमें ऑयल। ठीक है, ये हमारा इंजन जो था ये 1.4 इंजन है। तो जब भी जो भी इंजन आप रेडी करते हैं उस पर क्रैंक पे और पिस्टन पे मार्किंग होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर U14 मतलब 1.4। तो 1.4 की क्रैंक निकली है तो 1.4 की ही लगेगी, 1.6 की इसमें नहीं लग पाएगी। ठीक है, अब इसको करेंगे पेस्टिंग। अब लगाएंगे इसके बोल्ट केप लगाने के बाद। हो गए हमारे, अब हमको इस पर टॉर्क लेना है। तो टॉर्क लेंगे हम इस पर 80 से 90 न्यूटन मीटर का। ठीक है, बोल्ट की कैपेसिटी के हिसाब से हमें लोड लेना होता है, टॉर्क से ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितना लोड लें कैसे लोड लें। ठीक, बोल्ट की जो कैपेसिटी होती है जितना बोल्ट लोड झेल सकता है उतना ही हमें लोड देना है, जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही लोड देंगे हम। टॉर्क से हमें फ़ायदा ये होता है कि टॉर्क से जितने भी बोल्ट हैं, जैसे मान लीजिए क्रैंक के 10 बोल्ट हैं तो 10 ही बोल्टों पे एक जैसा लोड आना चाहिए, इसलिए हम टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नहीं, टॉर्क से लोड लेने का मकसद हमारा ये होता है कि सारे बोल्टों पे एक जैसा लोड आए। ठीक है, अब जी लोड कितना लेना है वो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने लोड की कैपेसिटी है, कितना टॉर्क ये झेल सकता है। बोल्ट की जो कंडीशन होगी, जो कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से हम लोड लेंगे। टॉर्क से लोड लेने का बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि एक जैसा बोल्ट सारे बोल्ट पे लोड आता है एक जैसा, तो क्रैंक हमारी बिल्कुल एक जैसी फिट होती है। ठीक है, तो इस पर हम लेंगे 80 न्यूटन मीटर का लोड। साइड के बोल्ट फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका बोर चेक करेंगे। बोर में रिंगर लगा के देखना है हमें बोर ढीला या टाइट तो नहीं है। ठीक, तो ये लगाने के बाद इसके फिर करेंगे हम पिस्टन फिटिंग। ठीक है, तो क्रैंक पूरी फिटिंग हो चुकी है, अब हमको बोर में चेक करना है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग चेक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पिस्टन है, पिस्टन हमारे पुराने ही हैं, बहुत बढ़िया कंडीशन के पिस्टन थे तो हमने इसको चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, इसका साइज़ वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट है, कंडीशन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया कंडीशन थी। ठीक, तो काम करते समय कभी कभी हमें थोड़ा सा कस्टमर की फाइनेंशियली कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से जो सही होता है वो हम काम कर लेते हैं। जैसे अगर पिस्टन सही है तो पिस्टन हम चला लेते हैं पुराने, और मैक्सिमम हमारी कोशिश रहती है कि पिस्टन भी हम नए डालें। ठीक, इंजन की सर्विस बढ़ जाती है, लेकिन अगर पुराने पिस्टन अच्छे हैं और ओरिजिनल हैं तो चला सकते हैं इसको। ये रिंगें हमारी बोर में चेक हो गई हैं, चारों रिंग बढ़िया है, चारों बोर। ये ऑयल रिंग चेक करेंगे आप, ऑयल रिंग भी बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी सेकेंड टॉप रिंग बिल्कुल ओके। ठीक है, तो रिंगें हो गई बढ़िया, अब इसको फिटिंग करना है हमको पिस्टन।
अब करते हैं पिस्टन फिटिंग। और पिस्टन पिस्टन को फिटिंग करने से पहले बोर में लगाना है हमें अच्छे से ऑयल, ताकि लुब्रिकेशन इसमें बना रहे। सबसे पहले लगाएंगे हम इसका एक नंबर पिस्टन। हमें भी अच्छे से ऑयल करना है, और ऑयल करने के बाद सारे रिंगों के जो मुंह हैं एक दूसरे से अपोजिट साइड में कर देंगे। पिस्टन पुलर को अच्छे से करना है साफ। साफ सफाई का हमें खास ध्यान रखना है इंजन में, थोड़ा सा भी डस्ट मिट्टी रह जाएगी इंजन में तकलीफ देगी। चल ये हो गया हमारा एक नंबर पिस्टन फिटिंग। ठीक है, इसी तरह से हमें चारों पिस्टन फिटिंग करना है। और इंजन को फिटिंग करने से पहले साफ़ सफाई का रखना है खास ध्यान। ये देख सकते हैं पूरा सामान साफ़ करके धुल के रखा हुआ है, हेड वगैरह सब। तो ऐसी साफ़ सफाई होना चाहिए ताकि इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर थोड़ा सा भी कचरा डस्ट रह जाएगा इंजन में तो ये हमारी सर्विस को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा इंजन हमने ओवरऑल कर दिया है, इसका पूरा काम करके, इसका तीनों पिस्टन फिटिंग करके हेड वगैरह फिटिंग करेंगे। पूरी फिटिंग करने के बाद लास्ट में हम बताएंगे इसका टाइमिंग कैसे मिला जाता है। ठीक, तो क्या प्रॉब्लम थी देखा हमने, ये हमारी क्रैंक और कनेक्टर हमने चेंज कर दिया, बोर करवा दिया, स्लू नहीं डलवा दिए, रिंग नहीं डाल दिए। ठीक है, और जो प्रॉब्लम थी इंजन में, ये प्रॉब्लम किस वजह से आई जब इस पर बात करते हैं, तो इंजन खोलते समय आपने देखा था कि इसका जो ऑयल चैम्बर जो होता है उसमें ऑयल पंप का जो स्टेनर होता है, स्टेनर के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से इंजन को प्रॉपर ऑयल जो मिलना चाहिए था मिल नहीं पाया। ठीक, ऑयल नहीं मिलने की वजह से हमारी क्रैंक का चार नंबर पीस पकड़ कर गया, पकड़ करने से वो पीस क्रैंक में घूम गया, जिसकी वजह से पीस पूरा गल गया और हमारी क्रैंक में भी क्रैक आ गया। ठीक है, तो ये जो कचरा हमने निकाला स्टेनर में, ये होता है ट्यूब का है। ये जो लोग चैम्बर वगैरह खोलते हैं इंजन में, जो भी काम करते हैं ओपनिंग फिटिंग का, मैं हमेशा बात करता हूं कि हमें अन्य सारी पेस्टिंग नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना लगाएं। जो कि हम ज़्यादा पेस्टिंग लगाएंगे वो फैल जाएगा, फैलने के बाद अंदर जाके गाड़ी में गिरेगा, चैम्बर में गिरने के बाद इंजन के चैम्बर में गिरेगा, और गिरने के बाद जाके सीधे स्टेनर में फंसता है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, या कई बार तो बिल्कुल बंद हो जाता है और इंजन हमारा सीज हो जाता है। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी पेस्टिंग करें, अन्य सारी पेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। ठीक है, तो करते हैं बाकी इसके तीनों पिस्टन फिटिंग, और फिर उसके बाद हेड फिटिंग करते हैं, और हेड फिटिंग करने के बाद बताएंगे इसका पूरा टाइमिंग। ठीक है, तो पिस्टन चारों कंप्लीट हो गए हैं। अब कनेक्टिंग पर लोड लेंगे हम टॉर्क रिंच से, और टॉर्क रिंच से लोड आएगा इसके ऊपर
52-55, ठीक है। दोस्तों हेड फिटिंग हो चुका है हमारा, गैसकेट देखा आपने, हमने हुंडई का जेन्युइन लगाया है और अब हम इस पर लोड लेंगे 110 न्यूटन मीटर का, ठीक है। तो दोस्तों टाइम आ गया है टाइमिंग मिलाने का, तो पहले हम इसमें टाइमिंग चेन चेंज करेंगे दोनों, और चेन हमें डालना है इसमें जेन्युइन ओरिजिनल हुंडई की, ठीक है। इसमें दूसरी कोई कंपनी की चेन ना डालें, जब भी चेन चेंज करें तो ओरिजिनल हुंडई की ही डालें, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, लेकिन ये सर्विस अच्छी है और साउंड भी बिल्कुल ओके हो जाता है गाड़ी का, ठीक है। तो चेन डालते हैं फिर बताते हैं इसका पूरा टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है। तो पहले हम फिटिंग करेंगे छोटी वाली चेन, और देख सकते हैं आपका नीचे छोटा वाला जो क्रैंक का जो गियर है और बड़ा वाला जो पंप का गियर है। तो पहले हम इस पर टाइमिंग चेन को मार्किंग से मिलाते हैं, तो टाइमिंग चेन की येलो कलर का मार्किंग देख सकते हैं आप, गियर के डॉट्स से उसको मिलाना होता है। और पहले हम छोटी वाली चेन को फिटिंग करेंगे, फिर तो उसके बाद इसको कंप्लीट करके बड़ी वाली चेन लगाएंगे, और बड़ी वाली चेन का कैसा टाइमिंग मिला जाता है वो बताएंगे। चलो, तो अब आ गई हमारी बड़ी वाली चेन, और देख सकते हैं बड़ी चेन पर हमारे दो येलो कलर के मार्किंग है जो हमने कैम के डॉट्स से मिलाए हैं, कैम के गियर के। और जो एक नीचे की साइड देख सकते हैं आप येलो मार्किंग है, वो पंप के डॉट से मिलाया है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका टाइमिंग मिलाया जाता है, और इसी तरह से इसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक। और टाइमिंग मिलाने के बाद एक बात का ध्यान रखें, जितने भी आप नट बोल्ट अंदर कसते हैं टाइमिंग के अंदर, ठीक, उस पर दोबारा से एक बार बोल्ट को अच्छे से चेक करें। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में आप कोई बोल्ट अगर ढीला छोड़ देते हैं तो बाद में ये नुकसान देता है इंजन को, और साउंड ख़राब करता है इंजन का, दोबारा से हमें मेहनत करना पड़ती है, दोबारा खोलना पड़ता है, ठीक। तो कंप्लीट करने के बाद एक बार सारे बोल्टों को अच्छे से बारीकी से चेक कर लें। दोस्तों टाइमिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो देख सकते हैं हम, जैसे कि हमने बताया था चेन के येलो मार्किंग को हमें गियर के डॉट से मिलाना होता है, तो ये हमारा टाइमिंग पूरा इस तरह से रेडी हो जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, i20 देख सकते हैं यहाँ पर, और ये गाड़ी अभी स्टार्ट खड़ी है, राउस हो रही है, साउंड भी हम सुन सकते हैं, इसका साउंड बिल्कुल स्मूथ साउंड है। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो पा रहा कि इंजन को देख के कि यहाँ पर कोई गाड़ी का इंजन का कोई काम हुआ है या इसके अंदर कुछ हमने ओपनिंग फिटिंग करी है, ना तो कहीं से पेस्टिंग दिख रही है ना कुछ काला पीला आप देख सकते हैं। तो ये होना है इंजन का काम करने का तरीका, क्योंकि ये जो इंजन फेल हुआ है इसका फेल होने का कारण ही यही था कि इसमें जो ओवर पेस्टिंग हुई थी, ओवर पेस्टिंग होने से जाके ऑयल पम्प के स्टेटर में फंसी और ऑयल पम्प इसका काम नहीं कर पाया और जिसकी वजह से इंजन हमारा जाम हुआ, क्रैंक क्रैक हुई और इंजन में काम आया। ठीक, तो इंजन आपने देखा कितना साफ़ सफाई से बिल्कुल मिनिमम पेस्टिंग, जितनी ज़रूरत है हम उतनी पेस्टिंग करते हैं। तो ये इंजन हमारा पूरा रेडी हो चुका है और इसका अभी हम साउंड भी सुनते हैं इसको एक्सीलेटर दे के। तो देखा आपने साउंड भी बिल्कुल बढ़िया है गाड़ी का, इंजन का, और गाड़ी में कोई स्मोक नहीं है, कोई बैक कंप्रेशन नहीं है और गाड़ी का साउंड बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का i20 का। ठीक है, इसको हमने कैसे ट्रेस किया इंजन को, जब इंजन हमारे पास आया था, ये गाड़ी काम होने आई थी तब हमने इंजन का स्टार्ट करके साउंड सुना था, तो साउंड सुन के हमने बताया था कि इसकी एक क्रैंक की आवाज़ है, कनेक्टिंग कोई इसका ख़राब हो चुका है, पीस गल गया है। तो डिक्टो जैसा हमने बताया था वैसा ही इसके अंदर काम निकला, वो काम जो था वो आपने देखा, इसमें क्रैंक इसकी क्रैक हो चुकी थी, हमने क्रैंक भी चेंज करी, कनेक्टिंग रॉड चेंज करा, बोर करवाया, रिंगे वगैरह सब डाल के पूरा इंजन ओवरऑल कराए, लेकिन कस्टमर की फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए हमने काम किया है। काम बिल्कुल अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने कम बजट में काम किया है तो काम में कुछ कमी पेशी रख दी है या कोई लोकल काम कर दिया, काम सब जेन्युइन ओरिजिनल हुआ। आपने देखा टाइमिंग चेन वगैरह हमने सब ओरिजिनल डाली है, लुक कंपनी क्लच प्रेशर डाली है, तो काम बढ़िया हुआ है, कस्टमर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। यही काम अगर हम जेन्युइन करने जाते तो तकरीबन 1-1.25 लाख रुपए के आसपास का इसका बजट पहुंच जाता, कस्टमर का इतना बजट नहीं था, तो कस्टमर का बजट देखते हुए हमने इसको बहुत कम से कम बजट में इसका काम कर दिया है, और उसमें हमने इसकी क्रैंक भी चेंज कर दी है, इंजन भी पूरा ओवरऑल कर दिया है। तो ये था आज का पूरा काम हमारा इंजन का, एक बार और हम इसका साउंड सुनते हैं और स्टार्टिंग भी देखते हैं। करो स्टार्ट, देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग भी गाड़ी का बेहतरीन है, साउंड बढ़िया है, कहीं भी आप देख सकते हैं इंजन के अंदर कोई ओवर पेस्टिंग नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं पेस्टिंग बिल्कुल माइनर सी पेस्टिंग होती है इसके अंदर, जहाँ भी अगर आपने ज़्यादा पेस्टिंग की तो गाड़ी का इंजन, जब हम पेस्टिंग ओवर पेस्टिंग करते हैं तो इंजन के अंदर पेस्ट जाता है, गिरता है चैम्बर में, और चैम्बर में जाने के बाद स्टेटर में फंसता है, स्टेटर में फंसने के बाद इंजन को सीज कर देता है। ठीक है, तो जब भी इंजन काम कर तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक कम्प्लीट हुआ i20 का। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।